केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा, अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनी तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। पिछले 8-9 सालों से चली आ रही केसीआर की भ्रष्ट सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शाह तेलंगाना के चेवल्ला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा, केसीआर की पार्टी बीआरएस का चुनाव चिन्ह कार है। इस कार की स्टीयरिंग मजलिस ओवीसी के पास है। अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? ये भारत का नक्शा भी बनाते हैं तो उसमें कश्मीर आज़ाद होता है। आज़ाद कश्मीर बताकर इन्होंने भारत का अपमान किया है। शाह ने कहा, पूरी दुनिया केसीआर की पार्टी के खिलाफ लोगों के गुस्से को देख रही है। लोगों को केसीआर और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में पता चल गया है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना में सरकार बनाएगी जिसके बाद भ्रष्टाचारी को जेल में डाल दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय को जेल में डाल दिया। उन्हें लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल जाने से डरते हैं। उन्होंने केसीआर को चेतावनी देते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो, भाजपा कोई भी कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म से नहीं डरता। आपको गद्दी से उतारने तक हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।